गुड मॉर्निंग क्लास, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस। पाठ का नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के अंतर्गत बेटा हम ये पढ़ें कि 1977 में जो है पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये हम पहली कोई बता चुके हैं। क्यों बनी थी? क्योंकि 1975 में जो आपातकाल लगा था, तो आपातकाल में लगा तो उस समय बड़ी दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ा। तो आपातकाल के दौरान जो है जिन नेताओं को जेल में डाला गया, बहुत सारे नेताओं को नज़रबंद भी किया गया होगा, तो उन्होंने क्या किया कि 1977 के जो चुनाव हुए उसमें वो जो है एकजुटता उन्होंने दिखाई कि जिनकी जो है आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियां की गई। तो एकजुट के लिए जयप्रकाश नारायण जी का नाम जो है उल्लेखनीय है। उन्होंने जो है सबको प्रेरित किया कि सबको जो है अब कांग्रेस का अगर मुकाबला करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में थी उस समय, आज़ादी के समय से ही चली आ रही थी। भले ही जो है बीच में 1967 और 69 का जो दौर था उसमें थोड़ी सी उसके प्रभाव में गिरावट आई, लेकिन बाद में जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो है फिर अपने आप को पूरी तरह से स्थापित किया। अब 1975 में जब आपातकाल लगाने की बात आई तो सरकार ने तो यही कहा, सरकार ने तो तर्क दिए कि भाई लोगों को, सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस को भड़काया जा रहा है, विद्रोह के लिए सेना और पुलिस को उकसाया जा रहा है। यानी कि जो भी काम हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो सरकारें चुनी हुई हैं उनको जो है उनकी नीतियों के अनुसार काम करने नहीं दिया जा रहा। अब ऊपर से जो प्रदर्शनकारी थे वो ये कह रहे थे कि सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है, अपनी निरंकुशता दिखा रही है। तो इसलिए जो है धरना प्रदर्शन विरोध हर जगह जो है जब ये बात उठ गई तो इसमें जो है मजबूरी में क्या करना पड़ा, आपातकाल की घोषणा की सरकार के द्वारा करनी पड़ी। ये सरकार ने तर्क दिए। फिर तर्क दिए तो फिर उसके बाद सह आयोग बनाया गया जेसी सह की अध्यक्षता में, इस बात की जांच करने के लिए कि भाई 1975 का जो आपातकाल था क्या वह वास्तव में जो है सही परिस्थितियों को देख के लगाया गया। फिर आयोग ने जाँच की, जाँच के बाद जो है उसके सामने गवाह पेश हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम भी आया। उस समय आया तो उन्होंने जो आयोग के प्रश्नों का उत्तर देने से भी मना कर दिया। ठीक, फिर सरकार ने कारण गिनाए थे कि भाई ये कारण थे कि भाई लोग जो है काम नहीं करने दिया जा रहा, सरकार अपनी नीतियों पे काम नहीं कर पा रही है, विद्रोह हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इसलिए जो है आपातकाल लगाया गया। अब क्या होता है कि आपातकाल का जो असर हुआ सबसे पहले नागरिकों के अधिकारों पर। अब नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार क्या हो गए, स्थगित हो गए। सारी जो है नागरिकों के कई सारी स्वतंत्रताएं समाप्त हो गई। विचारों की अभिव्यक्ति, घूमने फिरने, सभा आयोजित करना, ये हमारी स्वतंत्र अधिकार दिए गए, हमें 6 मूल अधिकार दिए गए। तो ये जो है सारे अधिकार जो है सरकार ने जब्त कर ली। निवारक नज़रबंदी, मैंने बोला था कि कई नेताओं को तो जेल में रखा गया, कईयों को उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया, कड़े पहरे के बीच उनको रखा गया। फिर तो इस तरह से जो है बड़े पैमाने पर जो है ये तो किसी को गिरफ्तार भी हो गया, किसी को नज़रबंद भी किया गया। इस प्रकार से जो है आपातकाल के समय जो है जो नागरिकों का अनुभव रहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो क्यों, इस कारण क्या क्या कारण थे? फिर जब आपातकाल की घोषणा हो गई तो कोई विकल्प नहीं बचा हुआ था, कि सरकार ने ये कहा कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। ठीक, इसमें जो है अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि भाई देश के अंदर जो है गड़बड़ी उत्पन्न की जा रही थी, विद्रोह की आग जो है भड़काने की कोशिश की जा रही थी। फिर सरकार का कहना था कि भारत में लोकतंत्र है और विपक्षी दल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, लोकतंत्र में जो विपक्षी दलों की जो भूमिका है वो जरूरी मुख्य भूमिका होती है, ताकि जो है वो सत्ताधारी दल जो है अपनी निरंकुशता न दिखा सके। तो सरकार ने कहा भाई कि जो भी सरकार है उसको अपना काम जो है उसकी नीतियों के अनुसार चला दें, अगर जो है अगर बार बार आप लोग जो विपक्ष जो है बार बार धरना प्रदर्शन करने बैठ जाएगा तो फिर सरकार अपना काम सही ढंग से कैसे कर पाएगी। तो इसलिए जो है सरकार ने कहा कि भाई ये आपातकाल जो है हमारे पास यही विकल्प था, क्योंकि जो विपक्षी दल थे वो क्या करते थे कि जगह जगह प्रदर्शन करते थे, जगह जगह धरना प्रदर्शनों का आयोजित किया जाता था। अभी आपने NRC के टाइम भी देखा होगा।